ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आपको पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर रविवार के दिन का एक रामबाण उपाय बताने जा रहा हूँ। जिनके घर में धन नहीं टिकता, बच्चे दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनका किसी परीक्षा कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, पति को व्यापार नौकरी दोनों में अगर कष्ट मिल रहा है, अगर बनते हुए काम आपके बिगड़ रहे हैं, अगर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण बार बार आप रोग बीमारी का सामना कर रहे हैं, अगर वर्षों बीत गए हैं आपको किराए के मकान में रहते हुए पर खुद की जमीन मकान खरीदने का सपना आपका सपना ही बनकर रह गया है, अगर कोई योग नहीं बन पा रहा है, अगर आंखें कमजोर हो रही हैं या चर्म रोग जैसी कोई समस्या आपको घेर रही है, तो ये कुछ और नहीं है, सूर्य आपका कमजोर है और सूर्य कमजोर होने के ही लक्षण है। इसी कारण आपके घर में रोग बीमारी, कार्य में बाधा, कर्जा, चर्म रोग, जमीन मकान का योग ना बनना, रुपया घर में ना टिकना, इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो आज मैं आपको सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला दो अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। पहला उपाय जल वाला उपाय है, दूसरा उपाय आपको गाय माता का उपाय करना है। अगर आपने इन दोनों उपायों को सच्चे मन से कर लिया और अगर शिव जी ने चाहा तो मात्र 3 माह में आपकी धन से जुड़ी, बीमारी से जुड़ी, जमीन से जुड़ी, बच्चों पति की नौकरी से जुड़ी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा तथा आपकी हर एक मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी होकर आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन निश्चित तौर पर हो जाएगा। मित्रों, आपको इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ विस्तार से बताने जा रहा हूँ। पर उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहने आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी मेरी तरह महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। देखिए, यह रविवार का विशेष उपाय है, इसे आप केवल 5 रविवार ही करेंगे तत्काल परिणाम के लिए। पहले रविवार से ही आपको फर्क पता चलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास धन की कमी हो, आपके पास में अगर धन आता हो लेकिन वो धन सही तरीके से टिकता नहीं हो, धन के सारे रास्ते बंद हो गए हो, तो ये धन प्राप्ति से संबंधित उपाय हैं जो हम आपको बताएंगे। और इस उपाय को करने के बाद में आपको लगेगा कि वास्तव में हम तो बहुत अमीर हो गए हैं। इस धन के उपाय के लिए आपको क्या क्या करना है वो आपको हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। यह उपाय रविवार का उपाय है और रविवार के उपाय के दिन आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन प्राप्ति के साथ साथ दोस्तों, अगर आपके कोई रोग भी हो तो रोग से संबंधित भी उपाय बताएंगे आपको। और ये उपाय, दो प्रकार के उपाय बताएंगे, एक तो जल से संबंधित उपाय है और दूसरा गाय माता का उपाय है। जो आज तक आपने कई सारे उपाय किए होंगे लेकिन ये रविवार के उपाय को करने के बाद में आपको लगेगा कि हम तो धनवान हो गए हैं, हम सारे रोगों से मुक्ति मिल गई है। तो दोस्तों, सुनते हैं अपन कि क्या क्या हमको क्या क्या उपाय करने हैं, क्या नहीं करने हैं। जो है सूर्य देवता को जल चढ़ाने से संबंधित, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना होगा 1 लोटा साफ स्वच्छ जल, 1 चुटकी आपको काला तिल की जरूरत पड़ेगी, 1 छोटा गुड़ का आपको टुकड़ा लेना है और 1 चुटकी पीला चंदन लेना है, 1 गुड़हल का लाल फूल आपको चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 1 पीला फूल आपको लेना होगा जो सूर्य भगवान और नारायण भगवान की कृपा पाने के लिए, 1 सफेद फूल भी आपको लेना है आपको शिव जी और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए, आखिरी में आपको 1 घी का दीपक लेना है। दीपक आप ध्यान रखिएगा मिट्टी का हो, चाहे आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं, बस गोल बाती वाला दीपक बनाइएगा घी का। रविवार की सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच, मतलब सूरज में हल्की लालिमा हो, तभी आपको यह उपाय कर लेना है। इन सभी पूजा सामग्री को मैं आपको फिर से काउंट करवा देता हूँ जिससे किसी भी भाई बहन को पीछे वीडियो में जाकर के सुनने की जरूरत ना पड़े। देखिए, आपको लेना होगा 1 लोटा जल, 1 चुटकी काला तिल, 1 गुड़ का टुकड़ा आपको चाहिए, 1 चुटकी पीला चंदन आपको लेना है, 1 गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल अगर ना मिले तो कोई भी आप लाल फूल उसकी जगह पर प्रयोग में ले सकते हैं। 1 पीला और 1 सफेद फूल आपको चाहिए
लिए प्लस एक घी का दीपक गोल बाती वाला आपको लेना है। अब इन सभी पूजा सामग्री को लेकर के आपको अपने घर के प्रत्येक कमरे में घूम लेना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। फिर आपको इन सभी चीजों को लेकर चले जाना है अपने घर की छत या आंगन में, जहाँ पर आप रोज सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। फिर सबसे पहले उस जल के लोटे में आपको काला तिल और एक टुकड़ा गुड़ का डालकर उसे अच्छे से मिला लेना है। फिर उसी जल की पतली सी धारी बनाकर आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। ओम सूर्य देवाय नमः, या ओम भानवाय नमः, या ओम दिनकराय नमः, या ओम दिनाकराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए आप चाहे तो इन चारों मंत्र में से कोई एक मंत्र बोल सकते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र बहुत ही आसान पड़ेगा और बहुत ही प्रचलित है, आप इसी मंत्र का उपयोग करिएगा। फिर चढ़ाए गए जल के पास आपको नीचे जमीन पर बैठकर पूरब दिशा की तरफ मुख करते हुए, जिधर से सूरज उगता है उधर सूरज की तरफ मुख करके, उन तीनों फूलों को, लाल पीला और सफेद फूल को, एक लाइन से आपको जमीन पर सूर्य देवता का स्मरण करते हुए तीनों फूलों का मुख सूर्य देवता की तरफ और डंडी का मुख आपकी तरफ आपको रखते हुए उसे जमीन पर रख देना है तीनों फूलों को। फिर उस एक घी के दीपक को आपको सूर्य देवता के सामने सूर्य देवता का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करना है और सूर्य देवता की विधिवत आरती करनी है। फिर दीपक फूलों के पास रखकर वहीं पर 2 मिनट आपको हाथ जोड़ करके सूर्य देवता महाराज से अपनी धन रोग नौकरी व्यापार जमीन से जुड़ी हुई समस्या को आपको कह देना है कि हे प्रभु, मेरा जीवन कष्टों से भरा है, मैंने महादेव के उपाय चैनल के माध्यम से आपके इस उपाय के बारे में सुना है और आप पर पूर्ण विश्वास भरोसा करके आपका यह उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी यह मनोकामना पूर्ण करें। आपको मात्र 5 रविवार यह जल वाला उपाय करना है, आपको मात्र 3 माह में खुद परिणाम दिखने लगे। दोस्तों, इस उपाय में आपको बताया गया है कि सबसे पहले जल का उपाय क्या क्या करना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते समय क्या क्या आपको उपाय करने हैं, ये हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो चलिए देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक लोटा लेना है, उसके अंदर जल लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक पीला फूल लेना है, एक नीला फूल लेना है और एक उड़ैल का फूल लेना है। इसके बाद में आपको गुड़ लेना है और गुड़ लेने के साथ साथ में आपको ये उपाय करना है। ये सारी चीज़ें लेने के बाद में आपको उपाय करना है और इसके बाद में जब ये उपाय सिर्फ आपको रविवार के दिन ही करना है। रविवार के दिन सुबह 5 से 7 बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है और जब आपके पास में पूरी सामग्री आ जाए तो सुबह 5 से 7 के बीच में आपको वहाँ पर जाना है जहाँ पर आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य भगवान का आपको मंत्र का जाप करना है। जाप करते करते उसके बाद में वो जो गुड़ आपने जो लिया था उसको उस पर मिला देना है पानी में और वहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करना है। इसके बाद में करने के बाद में जो फूल लिए थे आपने उन फूलों को नीचे रख देना है। फूलों का मुख सूर्य भगवान की तरफ होना चाहिए और डंडी अपनी तरफ होनी चाहिए और उसके बाद में सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और मेरे जो धन की कमी है वह धन की पूर्ति हो और जितनी भी मेरे घर में समस्याएं हैं वह समस्याओं का निवारण हो। अब बात करते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में, जो है गाय माता का उपाय। गरीबी कंगाली दूर करने का ये रामबाण उपाय है। आप किसी पंडित ज्योतिषी या ज्ञानी से भी पूछेंगे तो वह भी कहेगा कि जिसने भी यह उपाय बताया है 100% लाभकारी सिद्ध होगा। आपको सबसे पहले बनाना होगा शुद्ध आटे की एक लोई। जैसा कि मेरी माताएं बहनें रोज खाना बनाते समय रोटी के लिए लोई बनाती हैं, ठीक उसी तरह एक आपको लोई बनानी है। पर लोई कम से कम आपको अपनी पूरी हथेली के बराबर बनानी है, मतलब लोई बड़ी होनी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए नहीं है बल्कि यह गाय माता के पेट में जानी है, तो उसी हिसाब से आप बनाइएगा। फिर आपको इसके साथ लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा। देखिए, गुड़ का टुकड़ा आप थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, मतलब आटे की लोई के हिसाब से। साथ में आपको लेने होंगे 11 सरसों के दाने। देखिए, वैसे हमें तो चाहिए खरी, पर हमने उसकी जगह पर 11 सरसों के दाने लिए हैं क्योंकि खरी के बारे में मेरी गाँव से बिलोंग करने वाली बहनें तो समझ गई होंगी, पर शहर में रहने वाली बहनों ने शायद इस खरी के बारे में, इसका नाम पहली बार सुना होगा। देखिए, खरी उसे
कहते हैं जो सरसों को पीसने के बाद तेल निकलने के साथ जो सरसों का वेस्ट मतलब कचरा बचता है उसे ही खरी कहते हैं, जो शहर वाली बहनों को मिलना लगभग असंभव सी बात है। इसलिए उसकी जगह पर आप 11 सरसों के दाने ही लें। 21 दाने आपको चने की दाल लेनी है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और आखिरी में आपको एक चुटकी हल्दी नाम मात्र की लेनी है जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। फिर सबसे पहले आपको उस गुड़ के टुकड़े को पीस कर उसे आटे की लोई में अच्छे से मिला लें, क्योंकि मेरी एक बहन बता रही थी कि उसने गुड़ का टुकड़ा खड़ा ही लोई के अंदर रख दिया और गाय माता को गुड़ की खुशबू नहीं आई और उसने आटे की लोई नहीं खाई। इसलिए आपको गुड़ पीस कर उस लोई में मिलाना है जिससे उपाय विफल ना हो, क्योंकि गाय माता अगर आपकी लोई या आपके द्वारा दी गई हुई चीज को स्वीकार नहीं करती है तो इसका यह भी मतलब होता है कि हम हद से ज्यादा बदनसीब हैं और अभी हमारे दुखों का अंत इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। इसलिए गाय माता को कुछ भी खिलाने से पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें, और दिमाग बताने के लिए मैं आपका भाई बैठा हूँ ना यहाँ पर आपकी सेवा में, फिर आप क्यों दुखी होते हैं। मैं हर एक गुप्त से गुप्त उपाय अपने हर एक उस गरीब भाई तक पहुँचाऊंगा जिससे उनका जीवन सुखमय बन सके। फिर चने की दाल और 11 सरसों के दाने और एक चुटकी हल्दी उसी लोई के अंदर भर कर आपको गोल लोई बना लेना है। फिर उसे लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी सफेद गाय के पास में। सफेद गाय ना मिले, अगर आपको ऐसी सफेद गाय मिल रही है जिसके ऊपर काले या लाल धब्बे बने हो या निशान बने हो, फिर भी आप उस गाय के साथ यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि पूरी सफेद गाय मिलना शहर में बड़ा ही मुश्किल काम है। बस पूरी गाय काली नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु केतु के उपाय में काली गाय का प्रयोग करते हैं। फिर उस गाय को आप उस आटे की लोई को खिला दें और सावधानी से गाय माता को आप आटे की जब लोई खिलाएं तो गाय माता के सिर पर आप हाथ फेरते हुए अपनी मनोकामना आप गाय माता से कह दें कि आपके जीवन में जो भी कष्ट है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, रोग से जुड़ी, उसे दूर करें तथा आपके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास हो, ऐसे शुभ भाव के साथ अगर आप यह उपाय कर लेते हैं। और अगर शिव जी ने चाहा तो 5 बार रविवार आपको इस उपाय को करने की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी होगी। मित्रों, आप एक बार सच्चे मन से इस उपाय को करके जरूर देखें और मात्र 3 माह में आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए वह हम सभी भक्तों के साथ हमारे कॉमेंट बॉक्स में आप साझा जरूर करें। मैं आपका भाई आखिर में आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर होगी आपकी भक्ति में सच्ची शक्ति तो होगी आपकी हर एक मनोकामना पूरी। और हाँ, अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए उपाय के साथ जो शायद आपकी या फिर आप सबकी जिंदगी बदल दे। ओम नमः शिवाय। हाँ तो दोस्तों, इसमें आपको समझ में आया होगा कि दूसरे उपाय में जो गाय माता का जो उपाय बता रहे हैं हम, तो उस उपाय के अंदर आपको सबसे पहले आटे की लोई बनाना है। लोई जो होती है सभी माता बहनों को पता है कि जो खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो रोटी बनाने से पहले जो गोल गोल आटे का वो बनाते हैं इसको लोई बोला जाता है। तो सबसे पहले आटे की आपको एक लोई बनानी है। लोई बनाने के बाद में आपको क्या करना है, एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा लेने के बाद में एक गुड़ का टुकड़ा जो साधारणतः सभी घरों में मिल जाता है, और उसके बाद में आपको 11 सरसों के दाने लेने हैं। सरसों के दाने लेने के बाद में आपको क्या करना है, जो सरसों के दाने होते हैं और इसके बाद में जो सरसों की खरी होती है, मैं सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से सिटी में मिलना या शहर में मिलना काफ़ी मुश्किल काम होता है इसका खरी का। ग्रामीण इलाकों में अच्छे से मिल जाती है, तो वो खरी लेनी है आपको। खरी लेने के बाद में आपको क्या करना है, चने का जो चने के दाने होते हैं वो चने के दाने लेने हैं आपको, चने के दाने। इसके बाद में सरसों के 11 दाने, खरी और जो गुड़ होता है, तो गुड़ को पीस पीस कर क्या करना है, गुड़ को पीस कर उस लोई के अंदर मिला देना है। मैं ध्यान रखना है इस बात को कि जो गुड़ होता है उसका जो काफ़ी लोग होते हैं गुड़ के टुकड़े को सीधा लोई में लगा देते हैं और जब उसको गाय माता को खिलाते हैं तो नहीं खा पाती है। इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का कि जो गुड़ का टुकड़ा है उसको पीस कर ही लोई के अंदर मिलाएं। और उसको मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जाना है गाय के पास में।
गाय बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए। काली गाय के पास में आपको नहीं जाना है। काली गाय के पास में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना होता है कि काली गाय के पास में जाते हैं लेकिन वो लाभ आपको नहीं मिल पाता, फिर बाद में आप कमेंट करके बताते हैं। तो आपको जाना है एक सफ़ेद गाय के पास। सफ़ेद गाय के पास में जाकर आपको उस लोहे को गाय को खिला देनी है, और खिलाने के बाद में आपको गाय माता से रिक्वेस्ट करनी है। गाय माता के सामने अपनी मनोकामनाएं बतानी है कि हे गाय माता, मेरे घर में जो भी सुख समृद्धि हो, मेरे घर के अंदर जो भी परेशानी हो उनका निवारण करें। आपके पास में अब जो भी नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, धन से संबंधित या रोग से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी समस्या हो, वो गाय माता के सामने आपको बता देनी है। और इसके बाद में इस उपाय को आपको करना है, और करने के बाद में आपको वापस से घर पर आ जाना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और लाइक करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम इस चैनल पर डालते हैं तो आपको आगे मिल सके और आपको लाभ प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।